भाइयों 8 बज चुके हैं। आज हमारे मोनू भाई का हैप्पी बर्थडे है। कॉल पे कॉल आया जा रही है, देखो कि भाई कहाँ रह गए कहाँ रह गए। और सजा धुआ आकाश, देखो भाई जूते उतार के बैठ गए। क्यों भाई? यार पता है घरों में क्या चलता रहता है भाई, पता है क्या हो गया आकाश भाई? चल चल क्यों नहीं रहे? चलो आओ, पहन लो जूते, पहन लो, आ जाओ। देख फोन आ रहा है, अरे आ जा, आंद है, आ जा आ जा। अरे मैं ना जा रहा, एक पैर से जब यहाँ बैठो है, जब तो यहाँ ना सूजी 8 बज गए यार, एक पैर तो यहाँ बैठो। आ जाओ आ जा आ जा, जा सॉरी। चलो चलो भाई, मेरी थोड़ी लिटिल लिटिल मुझ पर मिस्टेक हो, मैं थोड़ा बैठ गया, मैंने थोड़ा लेट कर दिया, गुस्सा हो गया। अरे आ जा आ जा आ जा, वहाँ तो आ जाने, फिर बिनो मुझे वो तो दम में आ जाएगा। आ जा। अरे क्या, किस बात पे रूस आया भाई? थोड़ा डिस्क्रिप्शन, तू ही लेट कर रहा है, इसी बात पे रूस आया वो। एक्चुअली भाई पहले हमारे साथ दिनेश भी जा रहा था, लेकिन फिर उसके घर पे वो कैंसिल कर दिया। दिनेश ऐसे ही इस तरह रेडी था, फिर उसने उस घर पे उसकी लड़ाई बाज की कि नहीं जाएगा, फिर उसने लत्ता उतार के फेंक दिए। फिर आपको बताइए क्या होता है, फिर उसने भी क्या, अगर दिनेश नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, तो इसने जूते उतार के फेंक दिए ऐसे। और देखो घर में कैसा माहौल हो गया एकदम से, ऐसा ही होता है क्या? चलो आज मैं दिखाऊं किचन में, हमारे में बहुत अच्छे से होता है, ऐसे घर पे ही बन रहा है। कहा है दाल बनाई हमने। चल आकाश यार, मोनू भाई बर्थडे वे भी हर फंक्शन में आम है यार, हमारे इनमें हर बर्थडे बर्थडे हर चीज में आम है। चल रेडी है, जा फटाफट, ऐसे नहीं करते। 8 बजा दिए भाई, कोई टाइम है आज नोएडा जानो, एक डेढ़ घंटा दूर। चलो अब तो भाई 10 बजे निकले, लिख लेंगे तो है ही। चलो जी, अब भी चल रहा है क्या कंटिन्यू? अरे नहीं हो गया। भाई किया लेके नहीं जा रहा है, अभी तो कहता अरे किया लेके चले कम तेल फूकेगा। मैंने कहा अरे क्या तेल का सोचना भाई, क्योंकि उसका क्या है वो पीपा है पूरा यार, वो बहुत ज्यादा ही तेल कुछ पीती है। हमने कहा अरे छोड़ना यार, मजा टशन आना चाहिए। भाई वक्टर फोन कर दे यार, इतना डिले थोड़ी हो कर यार। कई किसी फंक्शन वंक्शन में जाने से पहले क्या आपके घरों में भी ऐसे ये ऐसे ड्रामेज होते हैं क्या, जैसा हमारे यहाँ हो रहा है आज? दिनेश पवार एक्स को लेकर अच्छे प्यार से उसको बुलाया गया, और देखो आप, मैं लाइव दिखाता हूँ कैसे एक्टिंग चलती हैं, देखना देखना जरा। ये देखो दिनेश पवार से मिलवाता हूँ, ये देखो। हाँ जल्दी चल, कितना कहलवा रहा है भैया ये, कैसे कैसे भाई ये गरम हो रहा है, मैं ना रोक रहा, मैंने की ठीक है, मैं तो अपने घर हूँ। तू हर फंक्शन में आवे है, हर फंक्शन हर ये रोक रहे, मैं कहा कर सको, मैंने तेरे को अपने बेटा हुए तो छोटे, कोई दिक्कत ना, मैं नहीं ना कर रहा हूँ ना, ना मैं रोक रहा हूँ भैया, कोई जा कोई दिक्कत ना, अच्छी बात है। दिनेश तू उधम करता है क्या? तू उधम क्यों करता है? जब तो चक्कर ना लेके जा रहा हूँ, थोड़ी देर पहले तो चक्कर लेके जा रहा हूँ। देख रहे हो मोनू भाई, आप वीडियो देख रहे हो तो देख लो आपके बर्थडे के लिए कितना को करने, कभी कोई सरूस रहा है, कभी कोई सरूस रहा है, देख लो। और अब भी कैमरा देख के दिनेश एकदम पहनने लग गया। हाँ अरे गिफ्ट ले लो, ले ना तो भाई, मैं फूल भर ले, गिफ्ट ले ले, सही है कहा पता हुआ है, आपके लिए ये गिफ्ट हमने अरेंज सोचा था, फिर हमने वो सूख गए इसलिए कैंसिल कर दिया। चल जल्दी चलो, तो चलो चलो चलो। दिनेश के घर में कितने ब्यूटीफुल ये लग रखे हैं डेकोरेशन आइटम, ये हमने ना लगाई, अब के मौनक ब्याह हुआ वरना लगाए, हमारे ब्याह के तो पहले गए भी पुराने। अरे चल है ना तुम यहां, शुभ लाभ। चलो फाइनली चल तो रहा है यार, जल्दी आ जा, कसम से क्या बोलूं मैं, छोड़ो। देख दिनेश के पापा, देखा बिल्कुल दिनेश जैसे, देखो भाई दिनेश के फादर देखो, ये जो हमारे बड़े पापा थे, ये मैं और आकाश भी तब तक पैदा नहीं हुए थे, ये गुजर गए थे, इनको कैंसर था, तो ये मम्मी भी रुसा दी भाई इसने, मम्मी भी रुसा दी इसने,
मम्मी भी रुसा दी, उसने मम्मी को भी सुना दिया था कि आपकी वजह से वो दहेज रूस गया, ऐसे चलता रहता सिस्टम लिटिल लिटिल सा, कोई बात नहीं यार, इसकी लाइट इतनी अच्छी लगती है। अब तो बाहर को समझ रहे हैं ये तो बहुत भौंक रहे हैं। चलो यार बहुत लेट कर दिया हमने, 8-10 इतनी लेट नहीं जाते, आगे बैठ गया। चलो जी कहाँ जाएगा, मैंने की नई गाड़ी भेजू तो नोएडा के नहीं चले जाए, तू रास्ता भी पा जाए, कोई डैक है कि ना कचना हुआ मैं फिर। अच्छा अभी अभी अपनी स्टोरी बता रहा था, पूरा दिन क्यों बिचर रहा था मैं, बात कह रहा हूं मैंने की तू वो ना तू दौड़े तो नहीं बिना देखो और भाई हमारा आज 27 तारीख 28 तारीख को क्या दोबारा वो यात्रा निकल रही है, जिस यात्रा पे वो कलेश हुआ था बहुत मोटा, अब नूह में इतना मोटा वो कर दिया है कि हम पी से उतरेंगे ना तो कोई बाहर नूह में नहीं जा सकता। अभी आने वालों के लिए सुविधा, हम बस जस्ट अभी निकले हैं कि तीसरा ट्रक लगा रहे हैं, देखो पूरा जाम कर रखा है, पूरा चक्का जाम, ये पूरा एक ट्रक यहाँ लगा रहे हैं इस टोल पे, मेन केएमपी वाला टोल है जो नूह पे उतरता है। और अब वो तो भाई किस्मत लगा लो हमारी की लिखा था उनके बर्थडे पार्टी में जाना, ये सब निकल गया, अब ये ट्रक लग रहा है जो आ गया, जितने आ गए आ गए, ना कोई नूह में अब दोबारा आ सकता ना जा सकता, अब देखो कितनी शक्ति आई है। अब कल जैसे हम आएंगे रात को तो आ ही नहीं सकते, उतर ही नहीं सकते, अब ये हमारा भाई ये है तो हम आएंगे जैसे रात को, अब ये गाड़ी है, अब भाई इसका जाने का कोई सेंस ही नहीं है, तो बढ़िया रहा लकी है, अब थोड़ी सी आगे से यहाँ से निकल जाएगा, अभी कन्फ्यूज़ हो रहा है कि भाई क्या करूँ क्या करूँ। तो भाई अभी नूह पर अब जब तक वीडियो डलेगी शायद तब तक तो हो चुकी होगी वो यात्रा, क्योंकि इस बार कोई भी वो रिस्क नहीं ले सकते, दोबारा अगर ऐसा हो गया तो भाई सरकार के मुंह पे बहुत तगड़ा वो लग जाएगा ना, इसलिए हम तो चाहते हैं भाई अपना सब बढ़िया हो जाए। खैर हम आगे निकलते हैं, अब देखते हैं आगे कल का क्या करते हैं, पर यहाँ भाई जाम है, ये तो रहे ना रहे पता ही नहीं लगता। पता क्या है, अगर तुमको हाउस वाइफ मेरा जो मानना है, अगर तुमको अरेंज मैरिज ही करनी है, और अगर तुमको हार्दिक शुभकामनाएं आपको, ओनू भाई हैप्पी बर्थडे भाई, बहुत खुशी मतलब दिल खुश हो गया भाई यार, लग रही है ये प्यार है भाइयों का, किसी दूर आया तो ओनू भाई आप बड़ा स्ट्रेंज सा बिहेव कर रहे हो, कैसे आपका फेस कुछ स्ट्रेंज सा लग रहा है मुझे ना, मतलब मैं क्या गोली दे रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा है विश्वास नहीं हो रहा कि हम आ सकते हैं भाई, मैं फ्री बैठा था, इनको विश्वास नहीं था कि हम आएंगे, मुझे ये तो था कि और हम आ गए तो इनका शौक लग गया, गोली मैंने कहा भाई गोली दे रहे हैं यार, मैंने कहा पेट में दिक्कत ना कर दे। और ये देखो यार क्या टेम्पर्ड ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास क्या लेने लग रहे हैं यार ये लोग भी, रात के 10:14 मोनू भाई का केक कट गया लगता है, वो फोन कर रहे हैं भाई कहाँ हो गए कहाँ गए, अच्छा चल दे ब्रो। मोनू भाई ने भी पूरा प्रोग्राम ही बना दिया, 10:38 हो गए हैं, अपने इस BMW को यहाँ पे नचाए डोल रहे हैं इंडिकेटर चला के, पता नहीं भाई ग्रेटर नोएडा से कोई 15-20 किलोमीटर तो आगे आ गए हैं, कौन सी जगह सस्ती मिल दे, ओ भाई सलेरियो तो वालों का अलग ही टोरा है भाई, वो टैक्सी हो रहा है वहाँ में भी यूँ ना तो खा कमा लूँ कुछ है, आ जा खामा का नुकसान हो जाए यार, उसकी रोजी रोटी है ऐसा भगा रहा उड़मा भाई का। अरे मोनू तू कहाँ कर रहे हो यहाँ रास्ता में रात के, जिंदगी से परेशान है पागल बर्थडे के नाम पर बुला के BMW में टंकी फुल है। और तो दिक्कत ये नोएडा की बंद हो जावे यार, ठीक है कोई बात है गुड़गांव चल लेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह गुड़गांव चल देंगे, चल ठीक है सही कह रहा है, रात अपनी है जैसा अभी अंकल मोनू भैया ने कहा था, रात अपनी है कोई क्या दिक्कत, देख कहाँ है पूरा नोएडा छोड़ गया इसके, मैंने ग्रेटर नोएडा में घर के पास ही लिया, आजा आजा घर के पास, ये पास होता है फिर दूर क्या होता है, देख देख गाड़ी अभी ना अंकल फुल भगा रहे हैं कि जल्दी से कैसे ही पहुंच जाओ। उनको पता है कि पीछे गालियां दे रहे होंगे। चलने दो मिनट से ऐसे गाने, मेरी गाड़ी खड़ी कर दी मैंने, इसी में चलने चलो। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू भाई, हैप्पी बर्थडे यार, मुझसे तो मिले नहीं, हैप्पी बर्थडे भाई को, बहुत बहुत मुबारक हो, ये फुल हवाबाजी कर दूंगा भाई, आज हमने खर्चा देखो नून वही है हां मैडम गांगे 350 कर दो, अरे भाई मिल जाता है सर डिस्काउंट, क्या कह रहे हैं 1390 था ना, 1350 कर दो कोई नहीं भाई, मांगो तो हर जगह डिस्काउंट मिलता है, रेस्टोरेंट पे भी हमारा ये मनियाओं कोई टेक्निक आती है हमें तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस चीज में, ये तो सही कह रहा है, देख दो अब भी देख अपनी और कितना कर दिया
जो डिस्काउंट करता है उसे ही तो पता चलेगा कैसे कराना है। रात के 11 बजे गाड़ी उभारे तो आप दोनों पत्ते लगा रखे हैं सब दुन्ने तो कोई बात नहीं टेम्पो बनने में लगेगा ना बना हुआ थोड़ी दुन्ने पत्ते ले लेना हाँ सारा प्लेट वगैरह खाएंगे भाई क्योंकि BMW में जगह नहीं थी अपनी में ना छह जनों को बिठाने की इसलिए आराम से बढ़िया बहुत अच्छी मार्केट है। मोनू भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं ऐसे ही अब तो चला गया वैसे आपका हैप्पी बर्थडे अभी कहाँ चला गया है अभी बच रहा है चलो मोनू भाई के लिए केक लिटिल लिटिल काट के इनको सेलिब्रेट करते हैं 70 साल के हो चुके हैं हमारे मोनू अंकल लेकिन अब भी 40 जैसे लगते हैं भाई 71वां चल गया सेंचुरी मार दी अरे भाई साहब आप तो बड़े लंबे जी रहे हो मोनू भाई टिकट कटवानी जा रहे हो फिर इनका इन पे तो खाने का बिल क्या वो बार बार वही नहीं पच रहा है ले आओ बनने दो लिफ्ट में कभी आपने ये देखी कुत्ता हद यहाँ साथ में फ्लोर पर पहुंचा के बेचारी करेगी क्या हद यार तो आखिर कहा सब चल रहा है तो पता कैसे लगेगा कि बर्थडे मनाएंगे।